नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। ये पंजाब पुलिस का मोटो है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। और पुलिस अहलकारों का गैर इंसानी रवैया इस मोटो की नफी भी करता है। इसका वाज़े सबूत मुलजमों को हथकड़ियों की बजाय भेड़ बकरियों की तरह रस्सियों में जकड़ कर अदालतों में पेश करना है। इन नौजवानों को इलामा इकबाल टाउन पुलिस ने शीशा कैफे पर छापा मारकर पकड़ा, और इनसे जो सलूक किया जा रहा है वो ना तो कानून की किसी किताब में दर्ज है और ना ही इसका ताल्लुक इंसानियत के निसाब से है। ये लोग भी एक होटल पर खाना खाते पकड़े गए। पुलिस का कहना है कि ये जुआ खेल रहे थे। कसूर चाहे मामूली हो या संगीन नौयत का, मसला ये है कि ये लोग इंसान हैं, और इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह रस्सियों से बांधना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। पुलिस जानवर वाली सलूक करती सामने रस्सियां बनी है सानू असि जुर्म किया या नहीं किया सानू रस्सी बने नहीं है रस्सी मन। वकला भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि इंसानों को रस्सियों से बांधना सरासर जुल्म है। गैर इंसानी रवैया जी, रस्सियों से बांधा हुआ, इन्हें कड़ियां लगाए, प्रॉपर तरीके से लेके आए जैसे आना चाहिए। माहरीन नफ्सियात के मुताबिक इंसानों को रस्सियों से बांधने से शख्सियत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं, और इस तरह मुआशरे में मजीद बिगाड़ पैदा होता है। अगर उन्हें चेन करना है किसी वजह से मजबूरी हो तो वो प्रॉपर चेन होनी चाहिए, ना कि उनको ये रस्सियों के साथ और जानवरों के से अंदाज में उनको ये बांध के आगे लेके चलें। और जो भी उनके साथ सलूक है उनका, वो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि वो अगर अच्छा होगा तो उसके आने वाले दिनों में इनकी शख्सियत के ऊपर अच्छे असरात होंगे। पुलिस अगर अपने नस्ब उल ऐन पर सही मायनों में अमल करे तो मुआशरे से जराइम का खात्मा मुमकिन है, लेकिन अगर वही गैर इंसानी सलूक पर उतर आए तो सूरत हाल बेहतरी की बजाय अबतरी की तरफ ही जाएगी। रस्सियों में जकड़े इन अफराद ने जुर्म किया है या नहीं, ये तय करना अदालतों का काम है। ताहम ये तय है कि ये तरीका गैर कानूनी भी है और गैर इंसानी भी। कैमरामैन मोहम्मद अतीक के साथ ताहिर जाफरी, वक्त न्यूज़, लाहौर।